इम्पोर्ट होके आते हैं दिल्ली में मिलते हैं इधर उधर मिलते हैं उनमें आपको रूफ पे ड्रिल करना पड़ता है पर इस केस में आपको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं दीज ज़्यादा ब्रैकेट विच कम्स विद द कैरियर आप सीधा का सीधा इसको इंस्टॉल कर दे विदाउट एनी ड्रिलिंग विदाउट मेकिंग एनी होल विदाउट मॉडिफाइंग एनी स्टॉक एनी ओ पार्ट ऑफ दिस व्हीकल साथ ही में इसके साथ हमने इसके फेंडर ऐड किए हुए हैं फेंडर्स आप अलग से ले सकते हैं इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द रैक सो आप ये फेंडर्स भी अलग से ले सकते हैं दिज आर कॉल्ड द कैरियर फेंडर्स ये फेंडर्स इसलिए लगाते हैं ताकि आपने अगर कुछ लगेज रखा है कि लगेज हमारा गिर गिर नहीं जाए तो सपोर्ट रहे इसलिए हम ये फेंडर्स ऐड कर देते हैं इस में आप अपने बाकी के अटैचमेंट्स भी लगा सकते हैं जैसे शॉवल हो गया और बाकी चीजें टू स्टार्ट विध ऑन दर्फेस हमने इसमें हाई ग्लॉस पीपीएफ कोट किया आप देख सकते हैं इसलिए ये इतनी ज्यादा ही चमक रही है दिस इज अस पी पी एफ इट कम्स विद फाइव गारंटी एंड इट विल कवर द कंप्लीट कार वन ओनली एंड इट लुक्स अमेजिंगली इससे गाड़ी का इसे वीकल का रिचनेस और जो पेंट की क्वालिटी वो और शार्प होके और और ग्लॉसी होके आती है इसके आगे हमने इस हाइल्स में जी आर किट इंस्टॉल किया आप देख सकते हैं जी आर किट इंक्लूड्स द ग्रिल दिस बोनट लिप द फ्रंट बम्पर स्किड जी आर लोगो फेंडर्स

जी आरकिट से इसका इस हाईलेक्स का जो आगे का स्टांस है वो काफी ब्रॉड हो गया है यू कैन सी व्हीकल इज आस्किंग फॉर द टायर्स। टाय नेक्स्ट स्टेज वी विल डेफिनेटली गोइंग टू चेंज द टायर्स एज वेल टायर्स और मे बी द अलॉय बिकॉज टायर्स तो हमने इसमें ऑलरेडी पहले चेंज किए हुए हैं दिस लेट मी इन्फॉर्म यू दैट दिस इज द दिस हाईलेक्स इज कमिंग टू टूअर्स फॉर द सेकेंड टाइम पहले हमने इसमें छोटे मोटे मॉडिफिकेशन किए थे अभी हमने इसमें पूरी बॉडी किट और बाकी सारी चीजें ऐड किए जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सो so, ये थी बात जी आर किट के बारे में जी आर किट में बम्पर होता है स्कीट प्लेट होती है फेंडर्स uh, होते हैं चारों ग्रिल होती है ये बोनट लिप होता है और साइड uh, की गार्निश होती है फॉग लैम गार्निश होती है साइड के वेंट्स होते हैं ये और ये चारों जैसे मैंने आपको बताया फेंडर्स भी जी आर किट में आते हैं दिस फेंडर्स आर लिटिल ब्रॉडर सो इसमें आप जितना बड़े टायर डाल सकते हैं आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं आगे बढ़ते हैं गाइज इसमें हमने फ्यूचर्स फोर बाय फोर का बोनट स्कूप एड किया है आप देख सकते हैं इट इज लुकिंग अमेजिंगली गुड एंड गोइंग वेरी वेल विद दिस दिसल्स दिस कलर इसको हमने रेड एंड ब्लैक कलर का कॉम्बी uh, दिया है एंड इट इज इन हाई ग्लॉस बोनस बोनोस्कूप पे भी हमने पी पी एफ किया हुआ है इससे ये इतना ग्लॉस है ये इतना इतना, इतना इसमें शाइन है आप देख सकते हैं आगे का ये बोनस बोनोकूप uh, हमने फ्यूचर्स फोर बाय फोर का इंस्टॉल किया है ये थी बात पीपीएफ की ये थी बात जी आर की, बोनट बोनट्रूप की और इसमें हमने मेजर जो मॉडिफिकेशन किया है जो इसमें मैकेनिकल मॉडिफिकेशन किया है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले तो आप देख सकते हैं गाड़ी बड़ी है इसमें रोल बहुत है इसमें बम्पिनेस बहुत है इसलिए हम सस्पेंशन ऐड करते हैं वैसे ही हमने इसमें भी किया है पर इसमें थोड़ा सा जोमेट्री हमने चेंज किया है ताकि इस देख सके कि ये जोर्मे, ये जोमेट्री चलती है कि नहीं एंड इट इज वर्किंग वेरी वेल ऑन दिस हाईलैक्स आइए मैं आपको बताता हूँ हमने इसमें क्या किया है और इसका रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों किया है पहले हमने इस गाड़ी इस हाईलैक्स में बी डाले थे बी इंस्टॉल किए थे आयन मैन फोमसेल प्रो का सेटअप है अपर कंट्रोल आर्म इसमें का है अब इसमें आप देख सकते हैं हमने इसकी हाइट भी इंक्रीज की है आगे से लेवलर किट डाल के ये प्रोमैन की लेवलर किट हमने ऐड की हुई है साथ ही आप जैसा मैंने बताया ये जीआर किट में फेंडर्स बड़े आते हैं इस फेंडर्स चौड़े आते हैं ब्रॉड होते हैं बाहर की तरफ सो टायर बहुत अंदर लगता है तो क्या लगता है कि अः टायर्स बहुत सारे बहुत ज्यादा अंदर है और गाड़ी बहुत ज्यादा बाहर है तो इसलिए हमने प्रोमैन का ही इसमें स्पेसेस ऐड किया है एंड दिस स्पेसेस इज टू इंचेस नॉट वन इंचेस दिस इज नॉट 25 फाइव mm, दिस इज 50 एम mm. आपने सारे वीडियोस में देखा होगा लोगों के कि 25 uh, 50 फाइव mm का नहीं ऐड कर सकते पर ये आपके सामने है ये ऐड किया ये यहाँ पे वहाँ पे कहीं भी टायर टच नहीं हो रहा है आप अच्छा खासा गैप देख सकते हैं यहाँ पे आप अच्छा खासा गैप देख सकते हैं यहाँ पे ओके okay. तो अब द रीज़न हमने ये लेवलर किट और आ, आ, स्पेसर इसलिए ऐड किए ताकि ये जो ब्रॉड फेंडर्स है ये अडॉप्ट हो सके ताकि ये और नहीं लगे कि टायर बहुत ज़्यादा अंदर है और गाड़ी इतनी ऊपर नहीं है और ये जी आर किट इतनी ब्रॉड इस पर लगा दिए तो वो ऑकवर्ड नहीं लगे इसलिए हमने ये किया एक और मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा इसमें हमने ये छोटा सा पार्ट इसमें चॉप ऑफ किया है आप देख सकते हैं ये एक छोटा सा मेटल का पार्ट होता है दिस इज पार्ट ये हमने चॉप ऑफ किया इधर से ये इसलिए चॉप ऑफ किया है कि जब आप टर्न लेंगे तो ये टायर का ये जो कोना है दिस पार्ट शुडंट हिट दे ये वैसे बहुत दूर है पर जब आप इसको चला रहे हैं जब आप ऑफ रोड कर रहे हैं तो आर्टिकुलेशन के टाइम पे टायर अगर अंदर गया तो वहां पे टर्निंग के टाइम पे टच हो सकता है इसलिए हमने उसको फॉर द फ्यूचर सेफ्टी इसको चॉप ऑफ करके रखा हुआ है सो so ये थी बात इस हाईलेस की आप ये हाईलेस के सारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट डब्ल्यू 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 फ्यूचर्स डेट इज एफ यू टी यू आर जेड फ्यूचर फोर एक्स फोर डॉट इन पे देख, देख सकते हैं और वहाँ पे सारे प्राइजेस मैंशन है आप वहां से ले सकते हैं हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल वहां पे दिया हुआ है आप वहाँ पे हमारे से बात करके ये सारे प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं वी डिलीवर पैन इंडिया वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस एज वी आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म दिस इज कॉल्ड यूट्यूब वेर इन मैं अपनी बात आपसे रख सकता हूं आप अपने कमेंट से अपनी बात हमारे सख्त रख सकते हो हमें एक दो कमेंट्स आए हैं जैसे कि आशीष योर फ्यूचर्स फोर बाई फोर प्रोडक्ट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव दैन इन द मार्केट

दे कम विथ द डिस्क्रिप्शन आप इसकी पैकिंग देख लीजिएगा आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए आप जो मैंने बोला है जैसा मैंने बोला है वीडियो में कि ये 1.5 पॉइंट mm एम में आप कहीं से इसको चेक करा लीजिए 1.5 पॉइंट mm फाइव एम एम में ये कभी रस नहीं पकड़ेगा क्योंकि स्पेशल पाउडर कोटिंग की हुई है एंड ये बात सही नहीं होगी अगर आप आई मीन I mean, एक मैंगो को आप एक गुआवा से कंपेयर करें नो इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर कम्पेयर एन एप्पल टू एन एप्पल सो यू कैनॉट कम्पेयर एन एप्पल टू गुआवा ठीक है सो so, ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारे ब्रांड्स के साथ आते हैं सारे एक साल की गारंटी के साथ आते हैं कुछ भी होगा आपको हमारे पास लेके आना है और जो हम क्वालिटी दे रहे हैं क्वालिटी इज टॉप नॉच आई कैन क्लेम ऑन दिस द क्वालिटी वॉट फ्यूचर्स बाई फोर इज गिविंग टू यू द सर्व इज वॉट फ्यूचर्स फोर बाय फोर गिविंग टू यू इज टॉप नॉच इट इज अनकंपेयरबल इन इंडिया ओके सो ये ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है कि हमने आपको दे दिया फिर हम बोलेंगे अरे सर हमको क्या पता अब आपने ले लिया अब आपको फिट कराना है आ, सर आ, अब ये हो गया तो हम क्या करें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है फ्यूचर फोर बाय फोर में अगर हमने आपको प्रोडक्ट दिया है तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है पूरी रिस्पांसिबिलिटी क्वालिटी की हमारी है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस की हमारी है दैट इज द रीजन जो चीप प्रोडक्ट्स है उनसे हमारे प्रोडक्ट्स थोड़े से एक्सपेंसिव है मैं बोल रहा हूँ थोड़े से यानी बहुत मार्जिनल बहुत मार्जिनल हम मिनिमल सिक प्रॉफिट में काम कर रहे हैं बहुत मार्जिनल महंगे हैं बिकॉज आई एम गिविंग यू सर्विस आई एम गिविंग यू द क्वालिटी सो प्लीज़ 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 ट्राई एंड अंडरस्टैंड डू नॉट कंपेयर एन एप्पल टू अ गोवा कंपेयर एप्पल टू एन एप्पल आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे जैसे ब्रांड्स के साथ कंपेयर कीजिए तब तो आपको समझ में आएगा कि कौन एक्सपेंसिव है और कौन रीजनेबल है ओके okay. सो so, ये थी बात आज के हाईलाइट्स की थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड एंड ऐसे ही हमें लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही और कंटेंट बना के आपके पास ला सकूं दिस इज़ आशीष साइनिंग ऑफ थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो